Indian fashion and beauty. So today I'm going to create another makeup tutorial, and this is one brand makeup tutorial, and I'm creating this look with 6 products by NY BAE. So here I have 6 products by NY BAE, and I achieved this look by these 6 products. So if you want to know about this, how I created this look and how I achieved this look, then please keep on watching. So firstly, I really want to thank to all of them for subscribing my channel and support me, love me. So for that, thank you so much. And I also have a request to all of them. Please, please, please give so much views on my videos which I uploaded. So I really wanted to make it very huge and very big family. So for that, you have to watch my all videos. And if you are new on my channel, then please don't forget to subscribe my channel and also hit the bell icon for latest update. So I have already used primer and moisturizer. Now I'm going to use foundation, and uske liye main use kar rahi hu NY BAE ka concealer stick. और इसका जो शेड है वो है 01. मैं इसका टोटल जो नेम है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ज़रूर चेक कर लेना. देन मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर लूँगी, और ये है प्यूना स्टोर का ब्यूटी ब्लेंडर. आपको ऑलवेज फाउंडेशन डैब डैब करके ही ब्लेंड करना है, तभी वो बहुत अच्छे से आपकी स्किन में मिक्स हो जाती है और बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है. देन मैं सेम कंसीलर स्टिक को यूज़ कर रही हूँ एज अ कंसीलर, एंड देन मैं इसको आईलिड पे अप्लाई करूँगी, और उसके बाद अंडर आइज, ब्रिज ऑफ माई नोज़, एंड जहाँ जहाँ थोड़ा सा पिगमेंटेशन है मैं इसे अप्लाई करूँगी. और मैं कोई भी कॉन्टोर नहीं कर रही हूँ, इसीलिए जस्ट कॉन्टोर लाइन को शार्प कर रही हूँ सेम कंसीलर से. देन आई एम गोइंग टू ब्लेंड इट विद दिस सेम स्पंज. देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई आई मेकअप, एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग NY BAE लिक्विड लिपस्टिक्स, और इसका जो शेड है वो है 05 एंड 06. देन मैं टिप को थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अगर यूज़ हो गया तो वो ठीक से ब्लेंड नहीं होगा. और मैं कोई भी ब्रश नहीं यूज़ कर रही हूँ ब्लेंड करने के लिए, मैं अपने रिंग फिंगर से ही अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ. और रिंग फिंगर इसलिए क्योंकि ये बहुत अच्छे से ब्लेंड करता है और बहुत स्मूथली ब्लेंड होता है रिंग फिंगर से, तो इसलिए मैं इससे ही ब्लेंड कर रही हूँ. देन मैं ये ऑरेंज लिपस्टिक को यूज़ करूँगी, और मैं इसको अपने आउटर वी में यूज़ करूँगी. एंड मैं फिर से अपने फिंगर से ही उसको ब्लेंड करूँगी, और दोनों को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. अगेन मैं जो पिंक लिपस्टिक है मैं उसको फिर से यूज़ करूँ, क्योंकि पिंक थोड़ा सा फेड हो गया था, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा उसे अप्लाई करके ब्लेंड कर रही हूँ. देन ये एंगल ब्लेंडिंग ब्रश है, ताकि जितने भी हार्श लाइन है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए. और ब्रश आपको कभी भी पेंसिल की तरह एकदम क्लोजली नहीं पकड़ना है, थोड़ा दूर से पकड़ के ब्लेंड करना है. देन मैं काजल के लिए NY BAE का द बिग एप्पल ऑफ माई आईज काजल यूज़ कर रही हूँ, वाटर लाइन में और टाइट लाइन में भी. और सेम काजल से मैं अपने ब्राउज को फिल कर रही हूँ. आईलाइनर के लिए मैं NY BAE का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, और मैं इससे एक थिक विंग आईलाइनर ड्रॉ करूँगी. देन ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ NY BAE का क्रीमी मैट लिपस्टिक, और इसका जो शेड है बहुत ही स्वीट सा कलर है. मैं इसका जो शेड है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. देन मैं इसको ब्लेंड करने के लिए ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करूँ, क्योंकि ये क्रीमी लिपस्टिक है, इसीलिए डैब डैब करके ही ब्लेंड करना चाहिए आपको. और लिपस्टिक के लिए मैं सेम शेड यूज़ कर रही हूँ लिक्विड मैट का, ऑरेंज शेड 06. और मैं ज़्यादा बोल्ड करके नहीं लगाऊंगी, ज़्यादा डार्क और ब्राइट नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मेरी आईज़ जो है बहुत ब्राइट पिंक है इसीलिए. NY BAE की अभी कोई भी हाईलाइटर नहीं है, तो उसके लिए मैं अपना मेबलिन मास्टर क्रोम हाईलाइटर यूज़ करी हूँ. और पर्सनली मेरा मेकअप तो कभी भी कम्प्लीट ही नहीं होगा विदाउट हाईलाइटर.
And once again, thank you so much for subscribing my channel. So I hope you all like this video. If you like this video, then please give it a big thumbs up and also subscribe to my channel. And after that, hit the bell icon for latest update. And I'll see you in my next video. Till then, bye.